हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। आई एम दीपक धरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। और आज मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ जो कि आप मिस प्रोनाउंस करते हो। शैल वी स्टार्ट? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे आप क्या बोलोगे? ओलंपिक। सभी ओलंपिक ही बोलते होंगे, राइट? इट्स नॉट ओलंपिक, इट्स ओलंपिक। क्या बोलना होता है? ओलंपिक, ओलंपिक नहीं, इट्स ओलंपिक। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन इज स्पीसीज। काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं स्पीसीज, सु नहीं, शु। इट्स स्पीशीज। स्पीक आफ्टर मी, स्पीशीज ना कि स्पीसीज। सी ओ एन सी आई ई आर जी ई, इस वर्ड को क्या बोलोगे? कंसियर्स। नो, इसको बोला जाता है कॉन्सियर्स। क्या बोलना है? कॉन्सियर्स ना कि कंसियर्स। बहुत सारे लोग इसे कंसियर्स कह देते हैं, दैट इज कॉन्सियर्स। जैसे बोलते हैं ना कंटेंट, कंटेंट नहीं, कॉन्टेंट। तो इस वर्ड को भी हम क्या बोलेंगे? कॉन्सियर्स। कॉन्सियर्स का मतलब होता है जैसे कि आपने कहीं होटल्स में, मोटेल्स में जो उनके डेस्क होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है, कोई भी होटल्स वगैरह का जो केयर टेकर होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्सियर्स। द नेक्स्ट वर्ड, इसे आप क्या बोलोगे? कॉन्सियर, कॉनेसियर, कॉन्सियर, क्या बोलोगे? इसे कॉनेसियर या कॉन्सियर नहीं बोलना, इसे बोला जाता है कॉन्सर, कॉन्सर, कॉनेसियर नहीं, कॉन्सर। ऐसे ही कुछ लोग जैसे बोलेंगे, जैसे कि व्यू है कितना सुंदर है ना, तो ये ब्यूटीफुल नहीं है। कुछ लोग इसे बोलते हैं ब्यूटीफुल, बी यू टी नहीं, ब्यूटी नीड्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट? जो फर्स्ट सिलेबल है उसके ऊपर आपको स्ट्रेस देना है। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ना कि ब्यूटीफुल। जब हम बोलते हैं ना कि जल्दी से यहाँ से चलो, तो हम बोलते हैं इमीजिएटली। ये इमीजिएटली नहीं होता, करेक्ट योर इंग्लिश, इट्स नॉट इमीजिएटली, इट्स इमीडिएटली। क्या बोलेंगे? इमीडिएटली, ज नहीं, डो होगा, इमीडिएटली। वंस अगेन, इमीडिएटली। ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे कि स्कूल में जाते हैं, है ना, तो हम एडमिशन कराते हैं। इट्स नॉट एडमिशन, इट्स एडमिशन। इसे लंबा नहीं खींचना, इट्स नॉट एडमिशन, इट्स एडमिशन। ऐसे जब हम एडमिट करते हैं ना किसी को, तो वो एडमिट नहीं होता, उसे बोलते हैं एडमिट, एडमिट। एक वर्ड और होता है जैसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स कम्युनिकेशन। क्या बोला है? कम्युनिकेशन ना कि कम्युनिकेशन। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको गलत ही बोलते हैं। I want to enhance my communication skills. Or they say, my communication skills are amazing. It's not communication skills, it's communication. क्या बोलना है? Communication. ऐसे ही हम जैसे सरकार की बात करते हैं, तो हम सरकार को क्या बोलते हैं? Government, है ना? सभी बोलते होंगे government. It's not government, it's government. Government. क्या बोलना है? Government. ना कि government या फिर government. Government. The word that is flashing on the screen, this is most commonly mispronounced. इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं simultaneously. ये simultaneously नहीं है, इसको आपको बोलना है simultaneously, ना कि simultaneously. British English में क्या बोलते हैं? Simultaneously. Okay? या फिर हम इसे American के हिसाब से बोलेंगे तो बोलेंगे simultaneously. Simultaneously नहीं, simultaneously. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो आपको बोलना है simultaneously या फिर simultaneously. कई बार हम मार्क्स पूछते हैं किसी के, बोलते हैं कि भाई कितने परसेंटेज आए हैं तुम्हारे, कितने परसेंटेज. ये टेज परसेंटेज नहीं होता, इट्स परसेंटेज. टिज होता ना कि टेज. जो sin, S-E-N, ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. इट्स परसेंटेज, परसेंटेज ना कि टेज. इसमें आर को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, आर को हटा सकते हो. यू कैन स्पीक लाइक दैट, परसेंटेज, परसेंटेज. जो ई जी एंड में जो आ रहा है ना, वो एज नहीं बनता, वो इज बनता है. कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कॉलेज, इट्स नॉट कॉलेज, इट्स कॉलेज, कॉलेज. आई होप यू लाइक दिस वर्ड्स, एंड इफ यू फाइंड दिस वर्ड्स हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लेट अस नो. और अगर चाहते हो कि ऐसे हम और भी वर्ड्स, ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाएं, सो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैंने आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है, उस कोर्स को इतना सिंप्लीफाई किया, इतना सिंप्लीफाई किया है, अगर किसी ने इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं पढ़ा वो भी इंग्लिश बोल सकता है. बाय गॉड्स ग्रेस वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया. इसमें हमने आपके लिए 20, 30, 40, 50, 60 लेसन नहीं,
बल्कि 150 प्लस लेसन आपके लिए ऐड किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो है प्रैक्टिस की। हमने इसमें इतनी प्रैक्टिस कराई है, इतनी प्रैक्टिस कराई है, मैं कहता हूँ ना कि मैं पढ़ाता नहीं, रगड़ देता हूँ। इसके अलावा मैंने 5000 प्लस डेली यूज के सेंटेंसेस की अपने इंग्लिश की बुक की PDF वो भी आपके लिए फ्री में ऐड की है। और इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस पर। किस प्राइस पर, खुद ही जाकर देख लो। अगर आप कोर्स नहीं भी खरीदना चाहते तो हमने बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट भी आप लोगों के लिए डाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्लिक द लिंक बिलो एंड गेट द कोर्स। या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो, Fluenta Institute।